अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दो न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बताऊं तुमको, और ये लोग बोलते अरे जान दो साहब, जान दो, अरे कैका जान दो भाई, कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है, छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग? अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड, मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊ, तुम्हारे ऑफिस पे आऊ, कहां पे आऊ बताओ, 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर, कोई कानून नहीं है भारत में, पुलिस क्या हो, आईपीसी का नहीं है, कोई भी आ रहा बोल के जा रहा, उन आखे बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मंजलिस को, तो रजाकार हो गए। और ये बोलते बी टीम, ये प्रियंका वाड्रा गुजरात में 84 से तुम जीत नहीं पा रहे, एक मुस्लिम एमपी को कामयाब नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं। मध्य प्रदेश तुम हार गए, छत्तीसगढ़ तुम हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, बहुत गलतियां कमजोरियां तुमको नजर आएंगी। तुम्हारे पार्टी के लोग जाकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो मालूम हुआ कि मजलिस की ताकत सबको आंखों में चुभती है। मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, तो इधर ये भी परेशान। मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काविशें उन्होंने की, आज मजलिस को मुकाम हासिल हो गया है। अरे मेरे भाई, एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिसके जलसों में आवाम खुद आती है, चाहे कांग्रेस का जलसा हो, बीजेपी का, मोदी का जलसा हो, तो लोगों को गाड़ियां देकर बुलाया जाता है, कभी एक पैकेट दी जाती है बिरयानी की, कभी एक दूसरी पैकेट भी देते हैं, आ जाओ और जाते वक्त टॉनिक पी के जाओ। ये वाहिद पार्टी है जो आवाम अपनी मोहब्बत से आती है, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।